केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को पर्याप्त सहायता प्रदान की है और यहां विकास को गति दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजस्थान में कुछ नहीं किया है। समारोह को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संबोधित किया। दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं करकर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया, जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावे 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलना है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है आलू से सोना बनाने वालों को, कि ये वनवासी आदिवासी, अरे भैया इस वन में तो प्रभु श्री राम भी, हनुमान जी भी, जामवद भी, नील भी वन में रहे थे, लेकिन इन भाइयों कर जहां रक्षा देनी चाहिए उनकी जमीन हड़पने का काम किसी ने किया, आप लोगों ने किया, लेकिन इनको हमेशा सुरक्षा, इनको अधिकार, इनके लिए योजनाएं कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें और यह विश्वास दिलाएं कि 2023 में मेवाड़, बागड़, कांठल और राजस्थान में कमल खिलाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि और चाहे मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से
करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। इस अवसर पर हम सब यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी अवसर पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंच चुका है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके साथ साथ आदित्य L1 मिशन सफल तरीके से लॉन्च हुआ है और ये हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं। भारत में संविधान की शोभा यात्रा नरेंद्र मोदी जी निकालते हैं, संविधान को नमन नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अभी तक संविधान की रक्षा की है, लेकिन आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आप उस भ्रम में नहीं आए। कोई भी ऐसा आदिवासी समाज का हित होगा, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्थान पे उस हित को रखेगी और आपके हितों का कल्याण करेगी। आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। ये परिवर्तन का रथ है, धर्म रथ है, कर्म रथ है। इस बांगड़ के गांव गांव में जाएगा और इसे 4 साल 8 महीने पुरानी सरकार के कर्मों को, कुकर्मों को पर्दाफाश करेगा। हमारी यह भूमि अपवित्र हुई दुनिया की नजरों में। कल राज्य के मुख्यमंत्री जी यहां पधारे थे, अपने कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए पधारे थे। धारावत की वो घटना जिसमें हमारी एक बहन नग्न हुई है, ये बहन नहीं, ये लाल डायरी की सरकार नग्न हुई है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ हुआ है, हमारी मानवता शर्मसार हुई है।